ये रक्षे के अंदर का मनाजिर है। नहीं तो क्या छोटे छोटे बच्चे यार, मेरे को पता है सुबह बुध वाले दिन गाड़ी टाला उतरता है पंजाब का, इसमें तुम लोग 8,000। ये देख सकते हैं दो आगे के पाव रख चुका है वो, और ये आप चढ़ गया। इतने में एकदम बोलो अच्छा ले लो पैसा, तुम्हारे ऊपर इंसाफ है। नहीं 39 नहीं, बात सुन 35 ले लो। बिस्मिल्लाह कर बस, अब कोई बात नहीं रह गई, अब फर्क ही नहीं रह गया मेरा भाई, बस छोड़ो रस्सी, छोड़ो रस्सी, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जी अस्सलाम वालेकुम यार, मैं एक अभी अड़क टाइप की जगह पे पहुंचा हूँ, यहाँ पे बच्चे काफी बैठे हैं, ये देख सकते हैं, ये दिखाएं बच्चे, ये प्योर तो इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि क्रास में बच्चे मौजूद हैं, ये अलग कलर में मौजूद है, अच्छे प्रिंट में मौजूद है बच्चे, तो ये देख सकते हैं छीना बच्चा मौजूद है। तो जानवर का जो मसला ये है कि जानवर जो है चारे पे तो है, लेकिन रेट बड़ा अजीब मुझे ऊपर लग रहा है काफ़ी अभी भी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इसके बोले हैं उसने 21,000 बोल रहा है, और उस वाले के बोल रहे हैं 29,000, तो ये दोनों मिलके तकरीबन बन गए कितने 50,000 रुपये। तो इतना तो मेरी रेंज नहीं थी, और वैसे भी एक बछड़ा ख़रीदना था, अब सोच रहा हूँ ये कि दो ख़रीद लूँ, लेकिन मसला ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतना छोटा सा कभी पाला नहीं है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा वज़न तक में ये जा सकता है, और ये मतलब बढ़ेगा भी या बिल्कुल ही ये रुक जाएगा। बहरहाल झालर तो दिख रही है मुझे, बाकी ये भी नहीं पता कि चारे में है या नहीं, इनके बकौल तो है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सीन है, दूध पीता है क्या पीता है। चलें फिर मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ, बता दो जो भी फैसला होता है। ये देख सकते हैं ये एक और बछड़ा ये भी खड़ा है, इसके भी झालर थोड़ी सी बेहतर है, 32,000 रुपये मांगा जा रहा है इसका। तो यार मसला ये है कि ये अभी खाने में तो लगे हुए, लेकिन यार ये बहुत ऊपर रेट पर चला जाएगा, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये उतने बड़े हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बाकी इनके पास कट्टे वगैरह खड़े हैं सारे छोटे भैंसों के, ये बोलने वाली मैंने खुद ही तैयार की अपने घर में, भैंस पूरे 2 साल खुद पाली है। बाकी इस जानवर को मैंने थोड़ा सा पसंद किया था, जिसके 21,000 रुपये इसके बता रहे हैं, और इस वाले के 29 बता रहे हैं। अब देखते हैं कि बात बनती है या मैं आगे जाऊँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक आध थोड़ा जगह और भी टच कर लूँ। नाज़िन ये देख सकते हैं आप लोग, ये दो बच्चे मुझे पसंद आए, लेकिन ये डर बहुत रहे हैं और काफ़ी बड़े हैं, ये देखें ये देखें ये देखें, इसके डरने की इंतहा कुछ ज़्यादा ही है। तो अब मैं आप लोगों को ज़रा करीब से भी ले जाके दिखाता हूँ ये क्या सीन है, इसकी झालड़ भी अच्छी है थोड़ी और नाफा भी अच्छा है, देखें देखें देखें, ये माशाल्लाह बहुत आला चीज़ बनेगा, प्योर चोलिस्तानी बनेगा मेरे ख्याल, चोलिस्तानी है या नहीं है पता, लेकिन ये क्या बनेगा मुझे नहीं पता। वो देखें वो डर के बारे में बाहर ही भाग गया वो। नाज़िर ये देख सकते हैं कि भैंसों का पूरा रेवड़ कटने के लिए, ज़िबा होने के लिए जा रहा है, और डर बहुत लगता है, कोई लात वात ना चला दें, बच्चों वाली जगह पे मैं आया हूँ। इधर ये बच्चे मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप, ये दो बच्चों का सौदा मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मसला ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, आप ये देख सकते हैं ये दोनों बछड़े, और दोनों बछड़े ही हैं, बिस्मिल्लाह वाली बात की है मैंने भी, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सा फ़र्क रह रहा है, हो जाएगा इंशाल्लाह सौदा। ये भाई है आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो, दे दो साईं भाई, यार भाग रहे देने वाली बात नहीं कर रहे, नाराज़ हो गए मैं। ये देख सकते हैं दोनों जानवर जो है चोलिस्तानी है, और असल बात है मैं सही से आप लोगों को अभी मतलब कमेंट्री भी नहीं कर पा रहा हूँ, जहर सी बात है वहाँ पे मामला फंसा हुआ है, गाहक यहाँ पे अटके हुए, तो गाहक जब रुके हुए होते हैं तो एक जानवर पे दो दो तीन तीन, तो फिर मसला ये कि उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है हम लोगों को, ये कि जानवर ख़रीदने के लिए कोई ना कोई इकदाम करें और पैसा लगाएं। तो बहरहाल आप लोग देख सकते हैं जानवर दोनों किस तरह के, इन दोनों का मुझे पसंद आया सौदा, अगर बनता है तो मैं बता, मेरे बात सुनो, दे दो बिस्मिल्लाह करो भाई ने बोल दिया है। दादा अले जल करो।
ये देख सकते हैं, मैं इसकी बाकी चीज़ें भी चेक कर रहा हूँ, खुर वगैरह देख रहा हूँ, हर चीज़ देख रहा हूँ कि किसी चीज़ में कोई मसला तो नहीं है। इंशाल्लाह इरादा ये है और अल्लाह बरकत डाले यार। ये के नाज़रीन ये देखें, ये दो बच्चों की जो बात चल रही थी, अभी आप लोगों के सामने थोड़ी बार्गेनिंग भी कर लेता हूँ। ये के ये आखिरी कहाँ पे देगा, क्योंकि ये करीब आ चुका था, मैं 50 ऊपर इन्होंने मांगे थे, 50 के करीब तक, और 50 मांगे थे हाँ, और अब देखते हैं आखिरी कहाँ पे देगा। भाई देखो तुम कहाँ पे आए हो, अभी 45 पे आए हो, ठीक है, हमने लगाए भाई कितना, 32,000 रुपये। बिस्मिल्लाह करो, क्या करोगे, बिस्मिल्लाह करो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं एक दाम बोले जी। पहले ये बताओ, ये दोनों चारे पे, दोनों चारे पक्की बात है, दोनों चारे पे, दोनों, ये कौन से बच्चे, चोलिस्तानी है क्या, कौन सी नस्ल में, वो चोलिस्तानी है, ये इतना ये पंजाब, बोल क्यों रहा है इतना, बोल क्यों रहा है, माल है ना, माल की वजह से डर रहा है, माल देख रहा है ना, अंधा करो, अंधा करो इसको, अंधा करो, एक दाम बोलो, बिस्मिल्लाह करो, सही तुम बोलो, एक दाम, एक दाम तुम बोलो, बिस्मिल्लाह करो, मैं बोले एक दाम, उसके बाद नहीं बोलना, बात सुन, 35 ले ले, बिस्मिल्लाह कर बस, अब कोई बात नहीं रह गई, अब फर्क ही नहीं रह गया मेरा भाई, बस छोड़ो रस्सी, छोड़ो रस्सी, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, अच्छा वजन पकड़ लेगा ना ये, पक्की बात है, अच्छा खिलाने के हिसाब से, बिस्मिल्लाह करना, फिर फर्क क्या रहेगा, अच्छा मेरी बात सुनकर, 1,000 रुपए पड़ ले, अब 1,000 रुपए नहीं तो क्या, छोटे छोटे बच्चे यार, मेरे को पता है सुबह बुध वाले दिन गाड़ी टाला उतरता है पंजाब का, इसमें तुम लोग 8,000-10,000 की कैप से उठा दो, कोई टाला 8,000-10,000 की कैप पे नहीं उठाते तुम लोग ये सुबह, हमने खुद वीडियो बनाई है उसका, अच्छा बात सुन, कितना 1,000 रुपए बढ़ा दिया, कहाँ देगा ये बता, फाइनल 40, मैं बोले 2,000 रुपए ले ले बस, बिस्मिल्लाह करो, पैसे पकड़ लो, 37 कितने में, एक दम बोलो, अच्छा ले लो पैसा, तुम्हारे ऊपर इंसाफ है, नहीं 39 नहीं, अबे दे के खत्म करो, दिन में दौड़ा रहे हो गरीब बंदे को यार, अच्छा सुनो कहा हो तुम, 39 में, मैं 37 में, तुम नीचे हो मैं ऊपर चला जाता हूँ, 20 का निकाल लो, दे रहे हो 1,000 ऊपर, 38 करें बिस्मिल्लाह, नहीं नहीं 38 बस, छोड़ दो रस्सी, छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है रुको अभी गिनवाता हूँ पैसा तुम्हारे को, उधर से ये चला गया, वो बोला कि पैसे किधर है, हमें क्या पता कौन सा, ये बड़े कराची में क्या 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 नहीं हुआ है, बंदा सोच नहीं सकता है, नमाज के लिए घर पे आ गए, कोई खातून गरीब थी उसके नमाज पढ़ने जगह दे दिया, पीछे से बंदे को चले भाई, गिनती शुरू कर रहा हूँ यार, अब मैं आप लोग देख सकते हैं, 1, 2, 3, 8, 18, 28, 38 38,000 रुपये में बात हुई है, ये पूरे इनको हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, गिन लो एक बार आप सही से। तो नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं मैं जानवर चढ़ाने जा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे, चढ़ाओ बिस्मिल्लाह करो, तो बस खैर आफियत से घर तक पहुँच जाए, फिर आप लोगों को घर में काफ़ी सारी वीडियोस बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं दो आगे के पाव रख चुका है वो, और ये अब चढ़ गया, ये देख सकते हैं अब ये दूसरा वाला जानवर चढ़ रहा है, असल बात है रक्षा में जगह भी कम है ना, तो थोड़ा मसला हो रहा है, हाँ अब दूसरे दोनों पाव हाथ से उठा लो, पास पास, हाँ नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं बछड़ा चढ़ा चुके हैं हम लोग दोनों, ये रक्षे वाला भाई भी बैठा हुआ है, अब ये है कि बस अब गाड़ी स्टार्ट होगी और लेके जाएंगे हम लोग, ये देख सकते हैं इसका चेहरा यहाँ से, ये रक्षे के अंदर का मनाजिर है,